हमारे स्किन पे फाइन लाइंस एंड रिंकल्स तो हैं ही हैं साथ ही साथ हमारे स्किन पे हैं यानी हमारे चेहरे पे हल्की सी हाइपर पिगमेंटेशन है है स्पॉट्स स्किन लूज हो रही है ओपन पोर्स ज्यादा दिख रहे हैं फाइन लाइंस हैं आंखों के नीचे और साथ ही साथ डार्क सर्कल्स हैं अब हम क्या करेंगे वेल इन दैट केस यू यून वॉच दिस वीडियो राइट टू एंड क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऑल इन वन एंटी एजिंग रूटीन डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन लार्ज ओपन पोर्स फाइन लाइन एंड रिंकल्स हर इंसान को होती हैं आफ्टर वी एज एट अ सर्टन लेवल क्योंकि ये है एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन्हें हम कम कर सकते हैं काफ़ी हद तक खत्म कर सकते हैं अपने स्किन को हेल्दी रख सकते हैं अगर आप फॉलो करें एक कस्टमाइज स्किन केयर रूटीन जो एंटी एजिंग के लिए

वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल लाइक सब्सक्राइब अगर आप इंजॉय करते हैं साइंस डेली क्योंकि मैं बनाती हूं एक नई सिंगल डेयर ऑन स्किन अप्रैल साथ साथ से लेकर गिव अवे वन लाखी विनर्स थाउजेंड रुपीज स्किन प्रोडक्ट्स एंड अ स्किन केयर रूटीन सब्सक्राइब so, बटन और हमारे पास है चैनल मेंबरशिप जहां मेंबर्स की रूटीस रिव्यू करती हूँ उनसे बात करती हूँ यू कैन टॉक टू मी इन क्लोज कम्युनिटी यू न सब्सक्राइब टू टॉक टू मी वन ऑन वन इन द चैनल मेंबरशिप्स चैनल मेंबरशिप्स तीन लेवल पे हैं इसलिए पर्कस देख के ही आप इसको ज्वाइन करें नाउ लेट्स गेट इन टू इट सबसे सब पहले हम बात करते हैं हमारे माइल्ड हाइपर पिगमेंटेशन की अब देखें दो में होता है और दो तीन टाइप का होता है एक होता है हल्की यानी सिर्फ यहाँ यहाँ और माथे के अराउंड थोड़ी सी डार्कनेस है उसे हम कहते हैं माइल्ड हाइपर पिगमेंटेशन कुछ केसेस में होता है मिलाजमा या बहुत ज्यादा स्पॉट्स आज हम को टैकल नहीं कर रहे आज हम डीप हाइपोपिग्मेंटेशन को टैकल नहीं कर रहे मिलाजमा हाइपोपिगमेंटेशन के लिए एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें 200 करोड़ रूटीन हैं, अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए बजट्स के लिए आप उसको बाद में देख सकते हैं आज हम बात कर रहे हैं छाइयों की माइल्ड पिगमेंटेशन जो यूजुअली इस एरिया पे होता है जहाँ पे सन हमें हिट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने पूरी जिंदगी सनस्क्रीन का डिसिप्लिन नहीं रखा है चांसेज यू विल हैव दिस डैमेज जिसे आप इजीली रिवर्स कर सकते हैं आपके स्किन के रूटीन में सुबह के टाइम में होना चाहिए एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो लाइटनिंग ब्राइटनिंग बेनिफिट्स रखता है एक सिंपल इनग्रीडियंट विच ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट है एक्सट्रैक्ट है बेरीज का कामोग्रेनेट में भी मिलता है और यह आपके स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशन होती है उसे लाइटन ब्राइटन करने में बहुत मदद करता है सो so, आपका सुबह का रूटीन कुछ इस तरह से दिखेगा सुबह के रूटीन में आप चेहरा क्लेंस करेंगे आफ्टर यू ब्रश शॉर्टीज ऑब्वियसली उसके बाद आप लगाएंगे 2% अल्फा अर्बुटिन सीरम किसी भी ब्रांड का इट डज नॉट मैटर 2% अल्फा अर्बुटिन सीरम सेरम फॉर्म में आता है सो आप लेंगे आधा ड्रॉपर यानी तीन से चार ड्रॉप पूरे चेहरे पे लगाएंगे नेक पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं आंखों के नीचे यहाँ पे नहीं लगाएंगे

में कोई भी विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का किसी भी फॉर्म आप लगा सकते हैं अल्फा अल्फाबीन के ऊपर एंड उसके ऊपर आप लगाएंगे अपना सनस्क्रीन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइजर लगाएंगे फिर लगाएंगे सनस्क्रीन अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली यूज योर सनस्क्रीन चार स्टेप में ये आपका मॉर्निंग रूटीन है जो आपके हाइपर पिगमेंटेशन को टैकल करेगा आपकी स्किन में ब्राइटनेस लाएगा नायासेनामाइट अमेजिंग है एक ऑल इन वन स्किन केयर इंग्रेडिएंट है क्योंकि ये पोर्स में भी हेल्प करता है सीबम को कंट्रोल करता है चेहरे को ब्राइटन करता है बहुत सारी अमेजिंग चीजें करता है इसके एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी हैं सो बेसिकली जब आप अल्फाबूटीन एंड नायमाइड को कंबाइन करते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन में या आल्फारूटीन और विटामिन सी को कंबाइन करते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन में आप अपने छाइयों को हल्की फुल्की पिगमेंटेशन को टैकल कर रहे हैं आप इसके अलावा एजलिक एसिड को भी यूज कर सकते हैं एजलिक एसिड आप यूज कर सकते हैं 10% परसेंट कॉन्सेंट्रेशन में एजलिक एसिड सस्पेंशन लिस्ट एक एजलिक एसिड आप यूज कर सकते हैं प्लम का जो बहुत लाइट वेट और जेंटल है वाटर बेस्ड फॉर्मूला है सीका में फॉर्म्ड है या आप यूज कर सकते हैं एजिडम टेन परसेंट जेल जो आपको मिलता है फार्मेसीज में किसी भी ब्रांड का एजलिक एसिड भी आप यूज कर सकते हैं

ट्रीटमेंट की जरूरत होती है जिसका काम ही होता है आपके डार्क स्पॉट्स पे काम करना सो so, सुबह के रूटीन में आप बेसिकली यूज करेंगे एक या एक ब्राइटनिंग ब्राइटनिंग या इंग्रेडिएंट अलोंग विद एन एंटीऑक्सीडेंट फिर लगाएंगे मॉइस्चराइजर फिर लगाएंगे अपना सनस्क्रीन अब आपका जो हाइपरपिगमेंटेशन का प्रॉब्लम था एजिंग से रिलेटेड ये हमने सॉल्व कर दिया है अब आते हैं आपके रात के रूटीन में फाइन लाइन हैं रिंकल्स हैं एंड स्किन लूज हो रही है वेल फाइन लाइंस हैं रिंकल्स हैं स्किन लूज हो रही है आपको चाहिए दो इन्ग्रीडियंट्स आपको चाहिए रेचनॉब और आपको चाहिए पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स हमारे स्किन में कॉलोजिन की प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं हमारे स्किन में जो कॉलोजिन की प्रोडक्शन खत्म हो जाती है खत्म तो नहीं होती बहुत स्लो डाउन हो जाती है we start losing collagen. हमारे स्किन के जो जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, हैं, रिटायरमेंट मोड पे चले जाते पेप्टाइड्स उन्हें जरा नज़ करते हैं और उनसे काम करवाते हैं जिससे हमारे कॉलोजिन की प्रोडक्शन बढ़ती है तो रात के रूटीन में एटलीस्ट तीन से चार बार आपको चाहिए रेटनॉल लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सीधा ही सीधा चार बार रेटनॉल मत लगाइएगा स्टार्ट वीक दो हफ्ते के बाद तीन बार चार हफ्ते के बाद चार बार इस तरह से बट हफ्ते में तीन से चार बार यू नीड सो आप अपने रात के रूटीन में डबल डबल करने के बाद एंड इज क्रिटिकल अगर आपके चेहरे लार्ज ओपन पोर्स है यू नीड टू डबल क्लेंस बिकॉज आप कितना भी नया सिनेमाइट लगा लें कितने भी एक्सपोलियंस लगा लें अगर आपके पोर्स अंदर से क्लीन नहीं है इफ यू नॉट क्लीनिंग योर फेस करेक्टली माइसलो वाटर डज नॉट डू इट अलोन फेस वॉश को दो बार लगाना डज नॉट डू इट अलोन यू विल डबल क्लेंस दे आर सो मेनी बाम्स एंड ऑयल्स आर अंडर फाइव हंड्रेड मैंने उनपे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है सो यू कैन गो चेक इट आउट लेटर बट आप हंड्रेड परसेंट डबल क्लेंस करेंगे दैट इज सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट डबल क्लेंस करने के बाद अपना चेहरे पे आप लगाएंगे रेक्नॉल रेटनॉल आता है सेरम फॉर्म में क्रीम फॉर्म में रेक्नॉल कैसे लगाना है कैसे शुरू करना है उस पर भी बहुत सारी वीडियोस हैं बिगिनर हैं अनशोर हैं उन वीडियोस को पहले देखें। But basically, apply your retinol and उसके उसके बाद बाद जब retinol absorb हो जाए 60 seconds a minute, उसके आप लगाएं अपना multi -peptide. Multi -peptide, अगर आपका हारोलोनिक एसिड में फॉर्म है जैसे मैं लगाती हूँ तो हल्के से चेहरे को मिस्ट कर लें पानी के साथ या किसी के साथ अदरवाइज अगर आपका मल्टीपेप्टाइड जेनेरिक है जैसे ऑर्डनरी मल्टीपैप्ट मल्टीपेप्टाइड ड्राई चेहरे पे भी लगा सकते हैं चाहे तो चेहरे को मिस्ट करके लगा सकते हैं रेटनॉल आता है ड्राई चेहरे पे मल्टीपेप्टाइड आता है आपका डैम्प चेहरे पे अब जब आप अपने स्किन के रूटीन में रात के रूटीन में रेटनॉल एंड मल्टीपेप्टाइड को कंबाइन करते हैं आप अपने फाइन लाइन एंड रिंकल्स को टारगेट कर रहे हैं और जो आपकी स्किन लूज हो रही है उसे भी टारगेट करते हैं प्रॉब्लम नंबर टू एंड थ्री हमने यहां टैकल किया है हफ्ते में तीन से चार बार यूज कॉम्बिनेशन ऑफ रेटनॉल एंड मल्टीपेप्टाइड

अब हमने टारगेट किए हैं आपका पिगमेंटेशन सुबह के रूटीन में रात के रूटीन में दो से तीन बार या चार बार अगर आप लगा सकते हैं प्लस रेटनॉल पेप्टाइड्स आपके फाइन लाइन रिंकल्स एंड लूज स्किन पे काम कर रहा है अब बात करते हैं आपके लार्ज ओपन पोर्स की लार्ज ओपन पोर्स दो केसेस में होते हैं नंबर वन अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ऑयली है तो आपके लार्ज ओपन पोर्स होंगे 100 परसेंट बट जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था जब हमारी स्किन एज करती है जब लूज हो जाती है स्किन तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ कॉलेजन से पोर्स ज्यादा ज्यादा बड़े दिखते हैं नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग अगर आपके सुबह के रूटीन में नायासिनमाइड है आप अपने पोर्स को श्रिंक करने में बहुत मदद कर रहे हैं बट इन एडिशन टू दैट आप दो चीजें कर सकते हैं हफ्ते में दो बार जब आप एक्सफोलिएट करें

कॉस्ट्रेक्स का एच है बी एच ए टोनर है वो यूज कर सकते हैं आप यूज कर सकते हैं मिनिमलिस्ट का एच है बी एच ए पी एच ए सैरम टेन परसेंट जिसमें आपके पास लैक्टिक ग्लाइकोलिक सालिस्ट्रिक तीनों है या आप सिर्फ यूज कर सकते हैं सैलिसिक एसिड अदरवाइज यू कैन ऑप्टन फॉर अ ग्लाइकोलिक और अलैक्टिक एसिड अब ग्लाइकोलिक एसिड यूज करें या लैक्टिक एसिड यूज करें डिपेंड करता है आपके स्किन टाइप पे स्किन नॉर्मल से ड्राई है और थोड़ी सी सेंसिटिव साइड पे है लैक्टिक एसिड 10% परसेंट विल बी योर बेस्ट पेट लेकिन अगर आपने आज तक कभी लैक्टिक एसिड नहीं लगाया है तो 5% परसेंट कॉन्सेंट्रेशन में लैक्टिक एसिड से शुरुआत करें सेम थिंग विद ग्लाइकोलिक एसिड आप शुरुआत कर सकते हैं पांच परसेंट कॉन्सेंट्रेशन की जो मिलता है पिक्सी में, है है में. आप यूज कर सकते हैं फार्मे में याडनरी में या मिनिमलिस्ट में लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी अगर आप एक बिगिनर हैं अनश्योर है एसिड ग्लाइकोलिक एसिड आइडियल है उनके लिए जिनकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली साइड पे है और जिनको पिगमेंट

इसके बाद आप वापस करेंगे हाइड्रेट ऑन थर्सडे फ्राइडे को करेंगे एक्सफोलिएट, फिर करेंगे रेथनॉल ऑन सैटरडे और संडे को भी आप वापस रेटनॉल लगाएंगे इस तरह से आपको मिलती हैं फोर नाइट्स ऑफ रेटनॉल आपको मिलती हैं थ्री नाइट्स ऑफ रेटनॉल टू नाइट्स ऑफ एक्सफोलिएशन एंड यू गेट टू नाइट्स ऑफ हाइड्रेट अगर आपके स्किन टॉलरेट कर सकता है आपको ज़्यादा हाइड्रेट नाइट्स की जरूरत नहीं है आप रेटनॉल की एक रात और बढ़ा सकते हैं या आप अपनी एक्सफोलिएशन की एक नाइट कम कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली अपने स्किन को देखें हाउ योर स्किन इज रिस्पोंडिंग और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की हमारे डार्क सर्कल्स एंड अंडर आई रिंकल्स आई से दिस टू ऑल ऑफ क्लाइंट्स जो कहते हैं डार्क सर्कल्स हैं मैं सबसे पहली चीज़ जो उनसे पूछती हूँ ब्लड टेस्ट कब कराया था और हीमोग्लोबिन कितना है

एंड अगर आप 50 से ज्यादा हैं एज में या 60 से ज्यादा हैं एज में साल में दो बार कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराएं एज अ वूमन ऑल दी अदर रिलेटेड टेस्ट जैसे हमें पैप्समेयर करना चाहिए पी सी ओ एस पैप्समेयर फॉर ओवेरियन कैंसर ऑल ऑफ थिंग्स इसे भी आफ्टर द एज ऑफ थर्टी रेगुलरली कराएँ डर के कुछ नहीं होता टेस्ट करें प्रॉब्लम है सॉल्व करें एंड यू विल बी ना मच बेटर शेयर सो अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं

पर्सनली मैंने इसे लास्ट ईयर टेस्ट आउट किया था मैंने इसे कंपेयर किया है विद एन आई क्रीम दर आई एब्सल्यूटली लव विच इज दी ड्रंक एलिफेंट ए शाबा रेटनॉल आई क्रीम रेटनॉल आई से बहुत सिमिलर है द रेटनॉल वन फ्रॉम ड्रंक एलिफेंट आई थिंक इट्स अबाउट फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड रुपीज एंड दिस यू गेट फॉर फाइव हंड्रेड रुपीज तो प्राइस में बहुत गैप है बट बोथ ऑफ देम आर फैबुलस तो इसे आप यूज कर सकते हैं रात के रूटीन में साथ ही साथ कुछ अगर और आई क्रीम्स के मैं ऑप्शन दू इफ यूर इन द मिडल ईस्ट यू ए सऊदी अरेबिया एनी ऑफ द जी सी सी कंट्रीज और यूर इन द यूनाइटेड स्टेट्स आई क्रीम जो थोड़ी तो नहीं बहुत एक्सपेंसिव है पर मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ इज बाय स्किन स्यूरिकल्स इट इज द स्किन स्यूरिकल्स एज कॉम्प्लेक्स इन्होंने अभी इसे रिफॉर्मुलेट किया है एंड आई टेस्टिंग इट आउट इसे मैंने लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में थ्रू आउट यूज़ किया था यू कैन सी इट इन माई वीडियोज़ फिर मैंने एक साल अलग अलग आई क्रीम्स यूज़ करी करें आई एम यूजिंग इट अगैन ये आपके अंडर आई स्किन को थिकन करती है

फैब्यूलस मैंने इसे यूज किया आठ महीने इट लास्ट ईयर फिफ्टीन एम ओ बिटवीन मी एंड माई हजब बोथ सो बहुत लंबे टाइम तक आपको लास्ट करता है इट्स फैब्यूलस एव रीपर्चेज इट बट आई एम टेस्टिंग आउट न्यू आई क्रीम तो फिलहाल मैं इसे यूज नहीं कर रही बट इट इज अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव इसे आप सुबह भी लगा सकते हो रात भी लगा सकते हो रेटनॉल आई क्रीम के साथ लेयर कर सकते हो अकेले भी यूज कर सकते हो इट्स अ ऑल इन वन काइंड ऑफ एन आई सेरम विच आई हाईली रिकमेंड कौन सी आई क्रीम्स आपको यूज करनी चाहिए अगर आपको देखनी है तो सिर्फ निपुन कपूर आई क्रीम डालोगे ना तो बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जहां अलग अलग बजट्स की अलग 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 आई क्रीम प्रॉब्लम्स के लिए मैंने रेकमेंड करी हैं बट अगर आपको स्पेसिफिकली डार्क सर्कल्स रिंकल्स को एक साथ टारगेट करना है मिनिमलिस्ट विटमिन के एंड रेटनाल आई क्रीम या द मल्टीपेप्टाइड आई से इस तरह से एक रूटीन में अलग अलग चीजों को स्पेस आउट करके आप अपने स्किन केयर रूटीन को इतना पोर्टेंट बनाते हैं कि आप अपनी पांच प्रॉब्लम्स पिगमेंटेशन फाइन लाइंस, रिंकल्स ओपन पोर्स डार्क सर्कल्स एंड अंडर आई रिंकल्स को टारगेट कर सकते हैं सो दिस वाज एन ऑल इन वन एंटी एजिंग रूटीन वीडियो पसंद आई लेट मी नो इन द कॉमेंट्स गिव आंसर्स एंड आई विल टू मोर विद्रांड टेक ग्रेट केयर ऑफ योर बाय